तो हे गाइस, ये है ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G स्मार्टफोन और आज हम लोग इसका करने वाले कैमरा टेस्ट। तो अपने पैसे लगाऊंगा इसमें, तो आपको वो जो भी सही चीज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा और कैमरा डिटेल पूरे अच्छे से आपको पता चल जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, ये है ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G स्मार्टफोन और अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं 1080p में 60fps में। अल्ट्रा स्टडी मोड जो है वो हमारा ऑफ है। पैदल चल के देख रहे हैं और पैदल चलने से कैसा क्वालिटी आता है वो आपको बताएंगे, किस टाइप का स्टेबलाइजेशन है सारा कुछ। तो उसके बाद गाइस अब हम लोग थोड़ा सा दौड़ने वाले हैं, तो स्टार्ट कर। भाग 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 गाइस, अभी ये जो वीडियो 1080p 30fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, 1x में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और इसका जो 1x है ना वो थोड़ा सा ज़ूम रहता है, मतलब बाकी फ़ोन में थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करता है बट इसमें थोड़ा सा कम एरिया कवर कर पा रहा है 1x में। लाइक यहाँ पे 0.6 आप लोग इसमें स्विच कर सकते हो वाइड एंगल, तो ये 0.6 वाइड एंगल आप लोग देख सकते हो, मैंने स्विच किया है अभी आपके सामने, थोड़ा सा वाइड हो जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी आती है। तो अभी 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने 0.6 वाइड एंगल कैमरा जो है वो इसमें शिफ्ट कर दिया और वीडियो शूट करते टाइम भी आप ये चीज़ कर सकते हो, वाइड एंगल में भी शिफ्ट हो सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी है। तो अब हम लोग वापस से 1x में आ रहे हैं और 1x में मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, अभी चल रहे हैं फिलहाल, अब हम लोग दौड़ के आपको बताते हैं। चल स्टार्ट कर। हो गया। तो गाइस अभी ये जो वीडियो है वो 1080p 60fps पे ऑन है और अल्ट्रा स्टडी मोड मैंने ऑन किया, और अगर आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करते हो तो 60fps में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है और 30fps में अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन नहीं होता, तो ये चीज़ है। और अभी हम लोग पैदल चल के देख रहे हैं कैसा वीडियो क्वालिटी है, कैसा स्टेबलाइजेशन है वो बताना। चल स्टार्ट। तो अभी हम लोग भागने वाले। तो गाइस अभी ये जो वीडियो है 4K 30fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, 4K 60fps का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और 720 का ऑप्शन है लेकिन 720p हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि 1080p इनफ होता है और 1080p में ही वीडियो रिकॉर्ड करो, ऐसा मैं सबको बोलता हूँ और मेरा सजेशन यही है। और साथ में इसको भी आप जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी हम लोग 1x पे हैं और 1x पे अब हम लोग चल रहे हैं फिलहाल, तो आपको इस टाइप का स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में बताओ कैसा स्टेबलाइजेशन है। इसके बाद अब हम लोग भागने के लिए रेडी हैं, तो चल। तो अब हम लोग भागने वाले हैं। हो गया। तो गाइस आपको 4K वीडियो में काफ़ी ज़्यादा शेक देखने को मिलेगा और हर फोन की भांति इसमें भी शेक है। अभी हम लोग 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्ट्रा स्टडी मोड यहाँ पे भी मिलता है और मैंने ऑन किया है, तो फ्रंट कैमरा का वीडियो क्वालिटी आप लोग देखो और कैसा क्वालिटी है ये आप मेरे को बता सकते हो। और डुअल वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब अल्ट्रा स्टडी मोड जो है ना वो मैं ऑफ कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा अपन चलते हैं स्पीड में, तो स्पीड में चलते हैं अब। तो शेक हो रहा है या फिर नहीं प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि अल्ट्रा स्टडी मोड तो मैंने ऑन किया है। और साउंड क्वालिटी बताओ यार, इसका माइक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद में आया, इसका स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है, तो स्पीकर वाला आपको पता चल जाएगा अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में। तो ये वीडियो फ्रंट 1080p में शूट हो रहा है और हम लोग अभी पैदल चल रहे हैं और अल्ट्रा स्टडी मोड मैंने ऑफ कर दिया है, तो आप लोगों को शेक देखने को मिलेगा पर मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा शेक देखने को मिलेगा क्योंकि बैक कैमरा से भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने को मिला है, तो इस टाइप का आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अपना, तो स्पीड बढ़ाने के बाद आप लोगों को इस टाइप का क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लीज़ कमेंट में बताओ कि अल्ट्रा स्टडी मोड ऑफ करने के बाद फ्रंट कैमरा 1080p में कैसा क्वालिटी आता है, और स्पीकर क्वालिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और साथ में माइक भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोगों को कैमरा में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक वीडियो मोड है और 20x तक जूम हम लोग कर सकते हैं, जूम फोटो मैंने आपको दिखाया, वीडियो मोड में भी अल्ट्रा स्टडी है और यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलता है वो 60fps और 30fps का है। अगर आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करते हो 60fps में ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है, तो ये आप देख सकते हो। वहीं पे गाइस 1080p और 4K का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो 4K 720p 4K में 30fps स्विच नहीं कर सकते, 4K 30fps का ही ऑप्शन देता है, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट।
और फीचर्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको कैमरा में बहुत सारे और सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम स्लैप डुअल वीडियो का ऑप्शन है, पैनारोमिक आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा HD प्रो स्टिकर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, टैक्स स्कैनर है और डुअल का भी ऑप्शन यहाँ पे है। लाइक अगर आप डुअल वीडियो लेते हो तो इस टाइप से आप वीडियो शूट कर सकते हो, अगर आप ब्लॉगर वगैरह हो तो आपको बहुत अच्छा काम आएगा। और साथ में कहीं से यहाँ पे आप कैमरा स्विच भी कर सकते हो और साथ में इसको जूम इन लाइक अगर आपको कैमरा स्विच करना है तो ये आप स्विच कर सकते हो इस टाइप से। तो सही सही चीज़ इसमें दिया हुआ है। बात करें तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है पीछे में, और वहीं पे गई से यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलता है। टेलीफोटो लेंस मिलना आज के डेट में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी स्मार्टफोन अपने फ़ोन में टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा बात हो सकता है। और डिटेल अभी बताएंगे आपको फोटोग्राफ्स की कैसे आती है। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में वीडियो क्वालिटी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको अल्ट्रा स्टडी मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे आप यहाँ से अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन कर सकते हो और साथ में आप 4K वीडियो फ्रंट से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, यहाँ पे 4K का ऑप्शन नहीं है। और वहीं पे FPS भी आप चेंज करने का ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस एक चीज़ बताना मैं भूल गया, हम लोगों को यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है वो 1080p 60fps पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सैमसंग F54 भी मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे 60fps पे कोई भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा था, वहाँ पे 30fps में स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा था और स्टेबलाइजेशन वीडियो वहाँ पे येलोइश टोन आ रहा था और थोड़ा सा फेड मेरे को लग रहा था। लेकिन इस फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेबलाइजेशन अगर हम लोग ऑन करते हैं 60fps में तो काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है और 30fps में भी काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इस यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी अगर आप ऑन नहीं करते हो, 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो 60fps या फिर 30fps, दोनों में स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा स्टडी मोड ऑफ है तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करेगा, OIS इसमें देखने को मिलता है, OIS की वजह से इसका OIS काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। और एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा, बिना अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन किए हुए भी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वीडियो स्टेबल आती है और स्टेबलाइजेशन जब हम लोग ऑन करते हैं अल्ट्रा स्टडी मोड तब तो गाइस बहुत ज़्यादा कमाल का स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। तो गाइस बात करें इस फ़ोन के कैमरा क्वालिटी की, लाइक अगर हम लोग सेल्फी लेते हैं और जस्ट हमारे सर के पीछे सन होता है तो उस टाइम में गाइस जब फोटो लेते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है स्काई है पूरा वाइट नज़र में आता है, लेकिन फोटो अगर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कमाल का ऑप्टिमाइजेशन करता है और पीछे का पूरा शेडो पूरा जो स्काई है वो एकदम ओरिजिनल शो करता है। और साथ में गाइस अगर सूरज हमारे सामने में है और सेल्फी लेते हैं फेस के साइड सूरज है तो काफ़ी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हो कैमरा में डिटेल्स बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। लेकिन गाइस वहीं अगर हम लोग मेन कैमरा से फ़ोटो लेते हैं किसी ह्यूमन का तो हमारे जो फेस को थोड़ा सा डल कर देता है और अगर दूसरा फ़ोन देखें तो वो थोड़ा सा गोरा करने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है बैक कैमरा से भी। अगर सन हमारे पीछे और बैक कैमरा से भी फ़ोटो लेते हैं तो डिटेल में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस कहीं से यहाँ पे फेस को थोड़ा सा डल कर देता है, तो हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए। बाकी ओवरऑल कैमरा मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बात करें यहाँ पे फ़ोटोज़ की तो जैसे हम लोग किसी टेक्सचर का फ़ोटो लेते हैं किसी पेड़ पौधे का फ़ोटो लेते तो वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का रहता है, तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट चीज़ गाइस अगर हम लोग यहाँ पे वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी में क्या क्या आपको अवेलेबल है सारा कुछ मैंने आपको वैसे भी बता दिया है। बात करें यहाँ पे जूम की, क्योंकि गाइस लोगों को इसमें 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जो कि गाइस यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के साथ वर्क करता है, तो पोर्ट्रेट फोटोज़ की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलेंगे, फील लाइक DSLR। अब DSLR बोल दिया इसका मतलब पूरा DSLR आप लोग मत समझना, लेकिन काफ़ी अच्छे तगड़े स्पेक्स हैं और काफ़ी अच्छे डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। जो एज डिटेक्शन है ना वो टेलीफोटो लेंस में बहुत आपको अमेजिंग देखने को मिलता है, जो कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज़ गाइस यहाँ पे बात करें हम लोग जूम की, तो यहाँ पे गाइस आप लोग जो है ना अल्ट्रा वाइड में 0.6 का आप लोग वाइड एंगल शॉट ले सकते हो और वहीं पे जूम की बात करें गाइस तो 5x का जूम, उसके बाद गाइस आप 10x 20x तक जा सकते हो। तो यहाँ पे गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते आए हो तो मैं एक घर की फ़ोटो बार बार डालता हूँ
और आज मैंने उस घर की फ़ोटो के जो सिंटेक्स है, पानी टंकी है, उसको 20x जूम किया है। और आज तक मैं पढ़ नहीं पाया था वो कौन से कंपनी का है, लेकिन आज मैं सिंटेक्स को पढ़ पा रहा हूँ कि वहाँ पे अपोलो लिखा हुआ है। कम दिख रहा है लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा बहुत अगर नज़र को गड़ाओगे तो पढ़ने में आसानी हो रहा है। वहाँ पे अपोलो लिखा है ऐसा लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ है ना वो डिटेल शो कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है और 20x हम लोगों को शो कर रहा है। तो इसका जो जूम है ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आज तक 20x जूम मैंने जो है ना किसी भी फ़ोन में नहीं देखा था। हालांकि ये जो फ़ोन है वो 40,000 रुपए का है और मैंने सैमसंग गैलेक्सी F54 भी ट्राई किया जो कि 32,000 का है, उसमें भी इतना अच्छा जूम देखने को नहीं मिलता। लेकिन गैस उसमें जो है ना फेस को ब्लैक नहीं करता था, वो अच्छा गोरा दिखा देता था अगर हमारे पीछे में सन है तो भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे मैंने कोई भी फिल्टर वगैरह ट्राई नहीं किया और अगर फिल्टर ट्राई करेंगे तो वो गोरा दिखाई देगा, लेकिन इसका जो मेन कैमरा है बिना कोई फिल्टर लगाए HDR वगैरह काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और अगेन मैं बोलना चाहूँगा डिटेल में कोई भी कमी नहीं है, डिटेल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। प्राइस के हिसाब से गाइस मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 का फ़ोन है तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें दी जा सकती थी, लाइक डिटेल और ज़्यादा इन्हेंस हो सकता था। और आपको एक चीज़ डिसअपॉइंट करेगा कि इस फ़ोन में हम लोगों को माइक्रो लेंस का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। मैंने ट्राई किया, माइक्रो लेंस ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन माइक्रो फोटो ले सकते ऐसा कुछ भी शो नहीं किया। लेकिन हाँ, इसमें हम लोगों को टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, तो टेलीफोटो लेंस के थ्रू मैंने जो है ना प्रो मोड में भी गया और साथ में एक फूल पौधे का फोटो लिया है, वो देखो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और यहाँ पे मकड़ी के जाले वगैरह सारा कुछ शो कर रहा है। तो ये मतलब जो फोटोज़ है ना वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से 40,000 का फ़ोन है तो यहाँ पे और ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा गाइस ऑफलाइन मार्केट का फ़ोन है, वैसे भी महंगा ही आता है ओप्पो का फ़ोन है, तो आप लोगों को अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा और एकदम फैक्ट है। और अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ख़रीद सकते हो, लेकिन गाइस ऑनलाइन मार्केट में जो है ना 40,000 के रेट में और ज़्यादा और अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है बेटर प्रोसेसर के साथ, क्योंकि हम लोगों को स्नैपड्रैगन 778 इसमें देखने को मिलता है जो कि नथिंग फ़ोन 1 में आता है और उसका 12256 वाला आज के डेट में 31,000-30,000 रुपये में ख़रीद सकते हो और ऑफ़र में वो 28,000 रुपये में भी मिलता है। तो सेम प्रोसेसर वाला ये जो फ़ोन है वो 40,000 रुपये का, लेकिन इसमें हम लोगों को टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपको टेलीफोटो लेंस की रिक्वायर्ड है और आप चाहते हो पुराने ज़िंदगी पुराने दिन फिर से आए और टेलीफोटो लेंस हम लोग यूज़ करें तो इसके साथ आप जा सकते हो। मेरे को सीरियसली अच्छा इसका कैमरा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताओ। तो गाइस लो लाइट फोटो देख सकते हो, थोड़ी सी सॉफ्ट आती है लेकिन नाइट मोड जब ऑन होता है तो डिटेल अच्छी देखने को मिलती है, लाइट अच्छे से कैप्चर करता है। तो यहाँ पे मैंने नाइट मोड ऑन किया, फिर देखो कैसा फोटो आपको देखने को मिले। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक लगा। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।